सुबह सुबह नाश्ते में क्या बनाया जाए जो कि बहुत इजी हो, क्विक हो, फिलिंग हो और बहुत सारी सब्जियों से बना हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। मैं हूं शिल्पी और आज हम मिलकर बनाएंगे ब्रेड का एक बहुत ही यमी और टेस्टी नाश्ता, ब्रेड उत्पम। खूब सारी सब्जियां मिला के बनाने में बहुत ही आसान, सुबह सुबह बच्चों को नाश्ते में खिला के स्कूल भेजे तो उनको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और यहाँ पर मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है और हम क्या करेंगे, इन ब्रेड के पीसेस को इस तरह से तोड़ के मिक्सी के जार में डाल देंगे। करीब 3 से 4 पीसेस आप ब्रेड के ले सकते हैं। यहाँ पर आप ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं डालूँगी 1/2 कप सूजी, इसमें डाल देंगे 1/2 कप दही, 1 से 2 हरी मिर्चें टेस्ट के अकॉर्डिंग और 6 से 7 गार्लिक क्लोव्स। गार्लिक अगर आप ना खाना चाहें तो ना डालें। थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी बहुत ज़्यादा ना डालेंगे। और अब हम इसको पीस के इसका एक बैटर बनाएंगे। बैटर बनकर बिल्कुल तैयार है, ये देखिए, तो हल्का सा ब्राउनिश है क्योंकि मैंने ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया है। और अब हम इस बैटर में डाल देंगे कटा हुआ टमाटर, महीन कटी गाजर, महीन कटा प्याज और महीन कटा शिमला मिर्ची। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून सरसों। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और हम इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब नमक, इसको भी मिक्स करेंगे। तो बैटर जो है मुझे थोड़ा भी थिक लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी इसमें। पर ध्यान रखिएगा, एकदम पतला बैटर नहीं चाहिए होता है, थोड़ा हल्का सा थिक बैटर ही चाहिए हमें इसका। और अब हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से इसको करीब 2 से 3 मिनट के लिए मिला लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है और आइए अब हम इसके उत्पम बनाएंगे। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को गर्म किया है, कोशिश करके नॉनस्टिक पैन लें। और इस पर 1 लैडल जो है मैं बैटर का डाल रही हूँ और इसको फैला देंगे। तो बहुत पतले पतले तो नहीं बनते हैं ये, हल्के से थिक बनते हैं। हम इसको नीचे से अच्छे से सेक लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हल्का सा सिक चुका है तो हम इसके चारों तरफ बहुत थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसको कवर कर देंगे और इसको करीब 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही सिकने देंगे। इसको पकते हुए ऑलमोस्ट 1 मिनट हो गया है और अब हम इसको फ्लिप करके देख लेंगे। ये देखिए क्या बढ़िया सिका है। तो इसी तरह हम इसको नीचे से भी सेकेंगे। एक बार हम इसको फिर से पलट देंगे। ये देखिए एकदम क्रिस्प और कुरकुरा मज़ेदार बनकर तैयार है। आपने देखा इसको बनाने में कुल 10 मिनट का टाइम लगता है, तो कम ऑयल में बना बहुत ही यमी ब्रेकफास्ट है। तो ज़रूर ट्राई करें एंड आई होप आपको बहुत पसंद आए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।